काफी सारे AI टूल्स मार्केट में आ चुके हैं जैसे कि आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन कैनवा के AI टूल्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा और ना ही इसके बारे में कहीं भी वीडियो अवेलेबल है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैनवा के द्वारा लॉन्च किए गए कुछ ऐसे AI टूल्स जिसकी वजह से आपका घंटों का काम सिर्फ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो सकता है और इसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग के जरिए काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं या फिर आप खुद के लिए भी इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी डेली रूटीन के अंदर। कैनवा के जो AI टूल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, आपका सारा काम कुछ मिनटों के अंदर कर देते हैं। कैनवा के जितने भी AI टूल्स है सभी के अंदर आपको डिजाइनिंग के अंदर काफी हेल्प मिलती है, भले वो ब्रांडिंग के अंदर हो, किसी कंपनी के काम के लिए हो, आपके पर्सनल काम के लिए हो, किसी वीडियोस के लिए हो, फोटोज के लिए हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हो, हर चीज के लिए जो कैनवा के AI टूल से वो बने हुए हैं। तो आपको कोई अलग अकाउंट ओपन नहीं करना, कैनवा का ही अकाउंट ओपन करना है। उसके लिए हम जाएंगे भी डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे कि अभी आया है हम कैनवा के इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे होम पेज के ऊपर ही आपको एक और न्यू फीचर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लिखा है ओपन इज गिफ्ट टू डिस्कवर अ न्यू फीचर। अब जो न्यू फीचर है वो सारे ही न्यू फीचर जो AI टूल है मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर ब्रांड हब का ऑप्शन देके रखा है, उसके बाद आता है डिस्कवर ट्रांसलेट का ऑप्शन, काफी ज्यादा पावरफुल ऑप्शन है। इससे आप इंडिया के अंदर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी देश का काम आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, वो है ट्राई आउट मैजिक राइट एवरीवेयर, ये भी एक AI टूल है। आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि सिर्फ राइटिंग के लिए काम में आएगा। फिर यहाँ पे देखे रखा है ट्राई आउट मैजिक एडिट एंड इरेजर, ये सबसे पावरफुल AI टूल है। फिर नेक्स्ट तो एक और आता है वो है ट्राई आउट मैजिक प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप कोई भी प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं AI टूल की मदद से, ये भी काफी पावरफुल AI टूल है। इसके बाद जाते हैं प्ले विद ड्रॉ, ये भी एक AI टूल है। फिर आता है नेक्स्ट ट्राई आउट मैजिक डिजाइन, ये तो कुछ अलग ही चीज बना के दे दी उन्होंने। और फिर नेक्स्ट आता है ट्राई एन एनिमेशन, मतलब कि एक बहुत ही पावरफुल चीज, आप किसी प्रोडक्ट को यहां से वहां किसे उड़ा के ले जाओगे, ये चीज AI टूल सिर्फ एक एरो की मदद से कर देता है। उसके बाद आता है एडिट विथ बीट सिंक, मतलब कि कुछ भी आप साउंड यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपके वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे, मतलब कि कहाँ पे टेक्स्ट आएगा, कहाँ पे कुछ एनिमेशंस वगैरह आएंगे, वो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, ये ऑटोमेटिक बीट के साथ उसे सिंक कर देगा जो भी आप म्यूजिक आप ऐड करने वाले हो। और नेक्स्ट आता है ट्राई आउट टेक्स्ट टू इमेज, अब मतलब कि आपको टेक्स्ट से कुछ भी इमेज क्रिएट करना है, ऐसे काफी सारे AI टूल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, उसमें से एक आता है मिड जर्नी और उसी जैसा फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है जो है ट्राई आउट टेक्स्ट टू इमेज। अब बात करते हैं कि इनसे अर्निंग कैसे करनी है। देखिए अर्निंग के इसमें काफी ज्यादा अलग अलग ऑप्शन हैं, वो ऑप्शन भी आपको गिना दूंगा मैं, जैसे कि यहाँ पे एक फीचर है ट्राई आउट मैजिक एडिट एंड इरेजर। अब इसके लिए हम जाएंगे फाइवर के ऊपर और यहाँ पे हमने सर्च किया बैकग्राउंड रिमूवर। यहाँ फिर क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मोबाइल स्टैंड हाथ में लेकर रखा है, अब मैं चाहूँ तो ये पिक्चर है इसमें से ऑटोमेटिक जो ये मोबाइल स्टैंड है वो रिमूव हो जाएगा सिर्फ एक क्लिक की मदद से। आपको फोटोशॉप नहीं आएगा तो भी चलेगा, तो ये सब चीज कर पाएगा आपका जो यहाँ पे कैनवा का AI टूल है जो कि है ट्राई आउट मैजिक एडिट एंड इरेजर। आपके हाथ में जो चीज है अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके इसे पेन बना सकता हूँ, इसे फूल बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे रिमूव करके यहाँ पे लैपटॉप ला सकता हूँ, तो ये सब कुछ होगा सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एक AI टूल की मदद से। और इससे आप काफी ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। अब जाएंगे फाइवर के ऊपर, यहाँ फिर अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ जाके आप अपना पोर्टफोलियो सबमिट कर सकते हैं। आपके पास क्लाइंट आएंगे और उन्हें आपको एक काम करके देखना है आपके लैपटॉप के ऊपर घर बैठे। यहाँ पे एक और ऑप्शन है वो है डिस्कवर ट्रांसलेट। अब ये क्यों काम आता है वो आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आप ग्राफिक डिजाइनिंग कैनवा के थ्रू करते हो, लेकिन उसके लिए अब आपको फ्रेंच के अंदर एक बैनर क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे आओगे इस टूल की मदद से, जैसे कि डिस्कवर ट्रांसलेट लिखा हुआ है, यहाँ से आपने कुछ भी इंग्लिश में लिखा तो वो इसे ऑटोमेटिक रशियन, फ्रेंच, जापनीज, चाइनीज, चाहे उस लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए किसी भी कंट्री के अंदर आप ग्राफिक डिजाइन का काम कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंगल क्लिक के अंदर 30 सेकंड में आपका सारा काम करके दे देगा। तो इसीलिए आप अब चाहे उस लैंग्वेज के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाएंगे जो भी क्लाइंट की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे आके ये चीज भी शुरू कर सकते हैं और इसके अंदर आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। कॉम्पिटिशन इस फील्ड के अंदर कम है कि आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर कोई डिजाइनिंग करनी है तो आपके पास सारी लैंग्वेज इसके अंदर अवेलेबल है कैनवा के अंदर, तो इंग्लिश में क्रिएट करके अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट यूज करके आप इजीली कर पाएंगे। फिर यहाँ पे एक और देकर रखा है वो है ट्राई आउट मैजिक प्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या होगा कि आपको प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ 10 से 15 वर्ड लिखने हैं, उसके अकॉर्डिंग इमेजेस, ग्राफ्स, उसके अंदर का कंटेंट, उसकी डिजाइनिंग, उसके एनिमेशंस, उसके बीच का साउंड, हर एक चीज ऑटोमेटिक 1 मिनट के अंदर क्रिएट कर देगा आपका एक कैनवा। और उसके लिए आप जाओगे यहाँ पे अगर फाइवर के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारी सर्विसेज हैं जो लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ले रहे हैं, जैसे कि 4000 रुपये, 6000 रुपये, 6000 रुपये, 3000 रुपये एक प्रेजेंटेशन का, और कैनवा आपको करके देगा सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी क्लाइंट की डिमांड है वो आप यहाँ पे लिख देना इसके अंदर, उसके बाद आपको
यहाँ पे ऑटोमेटिक कैनवा क्रिएट कर देगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो कि क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे ये वर्ड चाहिए या फिर इस टाइप का इमेज चाहिए, तो आप चाहें उसके अकॉर्डिंग उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो इनिशियली आपका 90% काम होता है वो कैनवा आपका 30 सेकंड में कर देगा। आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, कैनवा आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है एक्सप्लोर ब्रांड हब। इसके अंदर क्या है कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको बोला है कि आपको 5 से 6 अलग टाइप के कुछ पोस्टर क्रिएट करने हैं, या फिर आपको लोगो डिजाइन करना है, बैनर क्रिएट करना है, पोस्टर क्रिएट करने हैं, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट क्रिएट करने हैं। तो इस सब का क्या होता है, ब्रांड के अंदर एक कलर फिक्स होता है, जो टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है वो फिक्स होता है, जो डिजाइनिंग होती है वो फिक्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन क्रिएट करना पड़ेगा। हर बार वही कलर को बाबा सेट करो, फिर से वही टेक्स्ट को बाबा यूज करो, फिर से वही टेक्स्ट को बाबा अच्छे से सेटल करो, उसके बाद वही डिजाइन को बाबा सेटल करो। तो वो चीज आपको बाबा करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक फीचर है, वो है एक्सप्लोर ब्रांड हब का। यहाँ पे आपने एक डिजाइन क्रिएट कर दी, फिर उसे एक क्लिक के अंदर आप मल्टीपल डिजाइन के अंदर उसे क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ कंटेंट चेंज करना है, जो कि सिर्फ 2 मिनट का काम होता है, और मेन चीज आपकी कर देगा, मतलब कि 90% काम आपका कैनवा कर देगा इसका AI टूल, वो है एक्सप्लोर ब्रांड हब। ब्रांड के अकॉर्डिंग आप चाहें उस तरीके से बल्क के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से और भी बहुत सारे यहाँ पे फीचर देके रखे हैं। अगर कुछ चाहिए कि मैं इन सारे फीचर का ट्यूटोरियल लेके आऊँ कि कैसे आपको ये फीचर का यूज करना है, तो नीचे कमेंट करना। अगर इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स आ जाएंगे तो जितने भी यहाँ पे AI टूल देख रहे हैं, तो मैं इन सभी का एक वीडियो के अंदर ट्यूटोरियल दूंगा और आपको बताऊंगा कि इन AI टूल्स को आपको यूज में कैसे करना है, कैसे इन्हें काम में लेना है। तो सबसे पहले आपको 300 लाइक्स कंप्लीट करने पड़ेंगे अगर आपको ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए कि कैनवा के AI टूल को कैसे यूज किया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से फ्रीलांसिंग के जरिए अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इन AI टूल्स की मदद से, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, एक्सपर्ट नहीं है, फोटोशॉप नहीं आते, तो कैनवा आपको इसमें हेल्प करेगा। और आप अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, पीपल पर अवार्ड, काफी सारी अलग अलग जो भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, वहां से आप घर बैठे आपके लैपटॉप के थ्रू कमाई कर पाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगले किसी ऑनलाइन अर्निंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस के आइडियाज के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।